देखो, जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो किसके बने होते हैं, हाइड्रोजन के और कार्बन के, ठीक है ना। अब हाइड्रोकार्बन अपने आप कितने टाइप के होते हैं, दो, एक होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एक होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो रहते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, अल्केन्स। क्या कहते हैं, अल्केन्स। और अल्केन्स में हम लोगों ने चीख चीख के क्या लिखा है, ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर सिंगल। यहाँ पर क्या लिखा है, एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन बॉन्ड इज डबल। और जो अल्काइन होते हैं, जो अल्काइन होते हैं उसका क्या सीन होता है, हम लोग बोलते हैं उसमें एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन बॉन्ड इज ट्रिपल, ठीक है ना। यानी कि कम से कम एक कार्बन बॉन्ड कितना होना चाहिए कार्बन का कार्बन के साथ, ट्रिपल। और यहाँ पर हम लोग सिर्फ अल्केन अल्कीन अल्काइन में डिफरेंशिएट करने के लिए सिर्फ क्या देखेंगे, कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड कैसा होना चाहिए, सिंगल है तो अल्केन, डबल है तो अल्कीन, ट्रिपल है तो अल्काइन। जहाँ सारे ही कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो वो क्या है, अल्केन। जहां पर एटलीस्ट एक क्या है, डबल है तो उसको क्या बोलेंगे, अल्कीन। जहां एटलीस्ट एक कितना है, ट्रिपल, तो उसे क्या कहेंगे, अल्काइन। क्लियर है, बोलो कोई परेशानी, आगे जाएं। अब एक बहुत बेसिक सी टर्मिनोलॉजी समझेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब किसी कंपाउंड में एक कार्बन होता है, कितना कार्बन होता है, एक, तो उसे हम लोग कहते हैं मेथ। क्या कहते हैं, दो कार्बन होते हैं तो एथ, तीन कार्बन होते हैं तो प्रोप, चार कार्बन होते हैं तो ब्यूट, पांच कार्बन होंगे तो पेंट, छह कार्बन होंगे तो हेक्स, सात कार्बन होंगे तो हेप्ट, आठ कार्बन होंगे तो ऑक्ट, और नाइन कार्बन होंगे तो क्या होगा, डेक, और टेन का सॉरी नोन, नाइन कार्बन होंगे तो क्या होगा, नोन, और 10 कार्बन होंगे तो क्या होगा, डेक। आ रही है बात समझ में, ये टर्मिनोलॉजी तुम्हें क्या करनी रहेगी, याद करनी रहेगी, क्लियर है। अब रुको, अब हम लोग किसके साथ स्टार्ट कर रहे हैं, अल्केन्स के साथ। किसके साथ कहानी स्टार्ट कर रहे हैं, अच्छा अल्केन्स मतलब क्या, ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर सिंगल। किसी भी दिन कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, चार, न चार से ज्यादा न चार से कम। कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाएगा, चार 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 चार, कितने बॉन्ड बनाएगा, चार। अब सुनो, ये कार्बन इसने हाइड्रोजन के साथ क्या करे, चार बॉन्ड बनाए, हाँ ठीक है। हाइड्रोजन तो डबल बॉन्ड बना ही नहीं सकता, तो सारे बॉन्ड्स कैसे देनी है, सिंगल के, ठीक है ना। कार्बन कितना है, एक, इसे बोलेंगे अल्केन। क्या कहेंगे, अल्केन, ठीक है ना। और इस तरीके के कार्बन को, इस तरीके के कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे मीथेन। क्या कहेंगे, मीथेन, क्यों, क्योंकि मेथ मतलब वन कार्बन, और क्योंकि ये अल्केन है, क्योंकि ये अल्केन है इसलिए इसलिए हम लोगों ने क्या बोला, इसका नाम हो गया मीथेन। अब हमने कहा कि एक कार्बन ने दूसरे कार्बन से एक सिंगल बॉन्ड बनाया, हमने बोला ना ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड शुड बी सिंगल, कार्बन के सारे बॉन्ड्स कार्बन के साथ कैसे रहेंगे, सिंगल। तो अब कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, चार, कितने बॉन्ड बनाता है, तो इस कार्बन के कितने बॉन्ड बन गए, एक, ये और कितने बनाएगा, तीन। इस कार्बन के कितने बॉन्ड बन गए, एक, और कितने बनाएगा, तीन। तो ये क्या बन गया, कितने कार्बन है, दो, कितने कार्बन है, दो, और दो कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एन, तो ये क्या बन जाएगा, ईथेन। देखो मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, CH4, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, C2H6। इसका कंडेंस फॉर्मूला क्या होता है, इसका तो CH4 ही रहता है, और इसका होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इज दैट क्लियर। अब और ध्यान से देखना, अगर यहाँ पर तीन कार्बन होते और तीनों कैसे जुड़े हुए होते, सिंगल बॉन्ड से, अगर यहाँ पर कितने कार्बन होते, तीन कार्बन होते और तीनों कैसे जुड़े हुए होते,
सिंगल बॉन्ड से। तो ये कार्बन का कितना बॉन्ड बन गया है? एक। ये कार्बन का कितना बॉन्ड बन गया है? एक। ये और कितने बनाएगा? तीन। वन टू थ्री। ये वाले कार्बन के कितने बन गए? दो। तो ये और कितने बनाएगा? दो। ये वाले कार्बन के कितने बन गए? एक। और कितने बनाएगा? तीन। क्योंकि तीन कार्बन है, क्योंकि तीन कार्बन है, तो इसे हम लोग नाम क्या देंगे? प्रोपेन। क्या नाम देंगे? प्रोपेन C3H6, ठीक है ना। और इसका, सॉरी, C3H8। और इसका फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला क्या होगा? CH3CH2CH3, ठीक है। अगर इसकी जगह पर चार कार्बन होते तो यहाँ पर क्या आता? CH3। यहाँ पर आता CH3, यहाँ पर आता CH2, यहाँ पर भी आता कितना? CH2। इसे क्या कहते हैं हम लोग? ब्यूटेन। C4H10, ठीक है क्या? CH3CH2CH2CH3। बोलो, कोई परेशानी? कोई बात अब हम लोग को एटलीस्ट अल्कीन्स में क्या चाहिए? एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन बॉन्ड इज डबल। अल्कीन्स में क्या चाहिए? एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन बॉन्ड इज ठीक है ना। अब देखो, ये कार्बन है, ये एक और कार्बन है, दोनों के बीच में हमने क्या बना दिया है? एक डबल बॉन्ड। अब ये वाला कार्बन और कितने बॉन्ड बना सकता है? दो। दो। ये वाला कार्बन और कितने बॉन्ड बनाएगा? दो, ठीक है। तो ये क्या बना मेरे पास? CH2 डबल बॉन्ड CH2, दैट इज C2H4, ठीक है ना। अब क्योंकि ये अल्कीन है, तो अल्कीन का जो सफिक्स होता है, अल्कीन का जो सफिक्स होता है वो क्या होता है? ई। क्या होता है? ई, यानी कि ई, यानी। तो इसका नाम क्या पड़ेगा? ईथीन। क्या नाम पड़ेगा इसका? ईथीन। एक अब मानो कि मेरे पास तीन कार्बन आटम है, कितने कार्बन आटम है? तीन। और इसमें से एक दो कार्बन क्या है? बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है। दो कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है। तो ये कार्बन और कितने बॉन्ड बनाएगा? दो। ये कार्बन और कितने बॉन्ड एक बनाएगा? एक, क्योंकि इसके तीन बॉन्ड ऑलरेडी बन चुके हैं, वन टू और थ्री। और ये कितने बनाएगा? तीन, तीन ठीक है। तो ये क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, है ना। इसको कंडेंस करके प्रोपीन लिखोगे तो ये हो जाएगा C3H6। और क्योंकि तीन कार्बन है, क्योंकि कितने कार्बन है? तीन, तो इसका नाम क्या पड़ेगा? प्रोपीन प्रोपाइन। क्या बने? सो प्रोपीन। क्या बनेगा? प्रोपीन। अब इसकी जगह अगर चार कार्बन होते, एक दो तीन और चार, ठीक है। तो ये कार्बन के कितने बॉन्ड बनेंगे? और दो। ये वाले कार्बन का एक, इस वाले कार्बन के दो, और इस वाले कार्बन के तीन, ठीक है ना। तो ये क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, दैट इज C4H8 ब्यूटीन। और क्योंकि चार कार्बन है, तो इसका नाम क्या पड़ेगा? ब्यूटीन। बोलो, कोई परेशानी? अब अगर यहां पर भी देखोगे तो क्या होगा? इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? CH2। इन दोनों के बीच में किसका डिफरेंस है? CH2। इज दैट क्लियर? एक बार अल्कीन शांति से देख लो, कोई परेशानी है तो मुझसे पूछ, ठीक है। जब हम लोग अल्काइन की बात करते हैं, तो अल्काइन में हमको क्या चाहिए? एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन बॉन्ड इज ट्रिपल। एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन बॉन्ड इज ट्रिपल, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग सफिक्स यूज क्या करेंगे? वाई एन ई। क्या यूज करेंगे? वाई एन ई, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो क्या होगा, हमने कार्बन लिया का ट्रिपल बॉन्ड बनाया किसके साथ? दूसरी कार्बन के साथ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक हाइड्रोजन। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? एक हाइड्रोजन। क्लियर है? तो कार्बन के तीन बॉन्ड तो बन चुके थे, और कितना बनेगा? एक। तो ये क्या होगा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, दैट इज C2H2। अगर इसकी जगह मेरे पास कितने कार्बन होते? तीन। कितने कार्बन होते? तीन, ठीक है ना। तो ये वाला कार्बन अब और कितने बॉन्ड बनाएगा? एक।
ये वाला कार्बन एक भी नहीं बनाएगा क्योंकि चार बॉन्ड इसके बन चुके, और ये वाला कितने बनाएगा, तीन, 1 2 और 3, बोलो कोई परेशानी। तो ये क्या बनेगा, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री, ठीक है, तो ये हो जाएगा सी थ्री एच फोर, ठीक है। अब इसको क्या कहेंगे हम लोग, इथाइन, इसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रोपाइन प्रोपाइल, ठीक है। अगर इसकी जगह चार कार्बन होते, ठीक ब्यूटाइन है, तो एक तो ये ट्रिपल बॉन्ड लगा, इस ट्रिपल बॉन्ड के साथ कितना हाइड्रोजन लगेगा, एक, यहाँ पर एक भी नहीं लगेगा क्योंकि चार बॉन्ड कार्बन के बन चुके हैं, है ना। यहाँ पर कितने लगेंगे, दो, और यहाँ पर कितने लगेंगे, तीन। तो ये कैसा बनेगा, ये बनेगा सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री, ठीक है ना। बोलेंगे कैसे हम लोग, ब्यूटाइन, ब्यूटाइन और फॉर्मूला होगा सी फोर एच सिक्स, क्लियर है, बोलो कोई परेशानी। अब यहाँ पर भी देखोगे जब, तो इन दोनों में कितने का फर्क है, सी एच टू, इन दोनों में कितने का फर्क है, सी एच टू, इन दोनों में भी सी एच टू, ठीक है। आगे जाएं, अब देखो जब यहाँ पर कार्बन एक था तो हाइड्रोजन कितना था, सॉरी कार्बन जब यहाँ पर कितना था, दो, तो हाइड्रोजन कितना था, 2 × 2 − 2, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर जब कार्बन तीन हुआ तो हाइड्रोजन कितना होगा, 2 × 3 / 2, यहाँ पर कार्बन चार था तो हाइड्रोजन कितना था, 2 × 4 − 2, यानी कि अगर कार्बन एन होंगे तो हाइड्रोजन कितना होगा, 2 n − 2। ये अल्काइन्स का क्या होता है, फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला, क्या होता है ये अल्काइन्स का जनरल जनरल फॉर्मूला, फॉर्मूला फॉर्मूला, बोलो कोई परेशानी। क्या मुझे, हाँ क्या मुझे तुम लोग अल्कीन्स का जनरल फॉर्मूला बता सकते हो, जब कार्बन टू था हाइड्रोजन कितना था, टू इंटू टू, जब कार्बन थ्री था तो हाइड्रोजन कितना था, 2 × 3, जब कार्बन फोर था तो हाइड्रोजन कितना था, 2 × 4। तो यहाँ पर जो जनरल फॉर्मूला निकलता रहेगा CN वो क्या होगा, सी एन एच H टू more एन, to N इधर पे जनरल फॉर्मूला क्या होगा, सी एन एच टू एन, 2N टू एन। चलो सिमिलरली अल्केन्स का अगर जनरल फॉर्मूला देखने जाए, कार्बन जब वन था तो हाइड्रोजन कितना था, 2 × 1 प्लस प्लस टू, टू कार्बन दो था तो ये कितना था, 2 × 2 + 2, प्लस कार्बन थ्री था तो ये था कितना, 2 × 3 + 2, और कार्बन जब चार थे ये था 2 × 4 + 2। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला निकल कर आएगा वो आएगा सी एन टू एच टू एन प्लस प्लस टू, टू इज दैट क्लियर। देखो क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू सेम होमोलोगस सीरीज। सबसे पहला है सी थ्री एच फोर, यानी कि कार्बन जब कितने, थ्री, तो हाइड्रोजन कितना है, 2 × 3 − 2, हाँ या नहीं, यानी कि ये है सी एन एच 2 n − 2, यानी कि ये क्या हुआ, अल्काइन, ठीक है ना। सेकेंड वाले में मुझे सीधा सीधा क्या दिख रहा है, ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, तो ये भी क्या है, अल्काइन। थर्ड वाला है C2H4, यानी कि CnH2n, मतलब ये क्या है, अल्कीन। यहाँ पर देखो CH3 CH2 CH3 इसको बनाने जाएंगे तो ये बन रहा है C3H8, हाँ या नहीं। C3H8 मतलब क्या हुआ, ये हुआ CnH2n + 2, दैट इज अल्केन, अल्केन ठीक है ना। CH2 ये बन रहा है C2H4, फिर से ये क्या है, अल्कीन,
और ये बन रहा है C5H12 यानी कि CnH2n+, दैट इज ये क्या है हमारा अल्केन, अल्केन। ठीक है ना। तो ऐसे में जो ये दोनों हैं, ये दोनों सेम होमोलोगस सीरीज पर, ये वाला अल्कीन और ये वाला अल्कीन सेम होमोलोगस सीरीज को बिलोंग करते हैं, और ये वाला अल्केन और ये वाला अल्केन भी क्या करता है, सेम होमोलोगस सीरीज को बिलोंग करता है।